तो मेरी बात को आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी काफ़ी सारी यादें यहाँ पर ताज़ा होने वाली हैं। तो ये बात है उस ज़माने की जब 2G हुआ करता था, और उस वक्त यूनिनॉर, जो कि बाद में टेलीनॉर हो गया, उसमें 47 रुपया या करीबन 50 रुपये में 1 GB का डेटा मिला करता था, जिसमें आधे से ज़्यादा डेटा तो वेस्ट ही हो जाता था, क्योंकि स्पीड का ही ठिकाना नहीं है, तो आप यूज़ क्या करोगे। तो उस वक्त मेरी हालत ये थी कि उस समय कोई सोर्सेस नहीं थे कि आप कहीं भी जाओ, आपको वही घिसी पिटी फिल्में ही देखने को मिलती थी। तो ऐसे में मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे नई मूवीज़ मिले कहाँ से। तो इंटरनेट ही एकमात्र सहारा था, और हमारे आसपास में ना थिएटर्स थे ना मल्टीप्लेक्स, आप जाओगे कहाँ, क्या करोगे, मजबूरी है, जो है इंटरनेट ही है। तो उस वक्त मैंने जैसे तैसे बहुत तकलीफ़ झेल के, दुनिया भर के परेशानियों को, तकलीफ़ों को झेल के, जैसे तैसे जुगाड़ करके करीबन हफ्ते भर या फिर उससे भी ज़्यादा 1 महीना लगा कर मैंने इस फिल्म को डाउनलोड किया, इस उम्मीद में कि शायद ये फिल्म बढ़िया होगी और मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और सच कहूँ तो इस मूवी को जब मैंने डाउनलोड किया इतनी जद्दोजहद करने के बाद, और जब मैंने इस मूवी को देखा, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मूवी धांसू थी, है कि नहीं। आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, तो खुशी किसको नहीं होगी, मुझे हुई, आपको भी होगी। तो हुआ यूँ कि मैंने उस वक्त ये फिल्म देखी हुई थी, है कि नहीं। तो अब ये बात ये हुई कि अभी मैंने इस फिल्म को रिव्यू करना सही नहीं समझा, क्योंकि जो यादें थी इस फिल्म को लेकर वो यादें धुंधली हो चुकी थी। तो ऐसे में मुझे लगा कि फ़िल्म को दोबारा से देखना चाहिए, तभी मैं रिव्यू बना सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मैंने फ़िल्म को दोबारा देखा, लेकिन मैं डरा हुआ था कि मैंने ऑलरेडी एक बार मूवी को देखा हुआ है तो पता नहीं एक्सपीरियंस कैसा होगा। लेकिन यहाँ तो मतलब कमाल ही हो गया, जो इतना लंबा गैप हुआ था, यानी कि फ़िल्म मैंने 2013 में देखी थी, तो इतने सालों का गैप एक तरीके से मेरे लिए फ़ायदा ही कर गया, क्योंकि जब मैंने दोबारा फ़िल्म को देखना शुरू किया तो मेरे लिए सब कुछ नया ही था। फिल्म को देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं फ़िल्म को बिल्कुल वैसे ही इन्जॉय कर रहा था जैसे कि मैंने पहली बार किया था, मतलब उतना मज़ा आ रहा था। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया ही हुआ है कि खासकर इस तरीके की फिल्में जो होती हैं, यानी कि एनिमेटेड फिल्में, वो मैं अकेले कभी भी नहीं देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं उनका रिएक्शन भी देखता रहता हूँ, और खासकर मूवी भी इंजॉय करता हूँ, खुद से देखता भी हूँ, उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ, उनका रिएक्शन भी देखता हूँ, खुद मूवी भी इंजॉय करता हूँ। तो उससे पता चलता है कि मूवी वाकई में मज़ेदार दमदार है या नहीं, या मूवी को देखने में मज़ा वाकई में आ ही रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मैं ही झूठी तारीफें कर रहा हूँ, बाकियों का तो अपना अलग ही विचार है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहानी है एक परिवार की, यानी कि द क्रूड्स, जो कि आदि मानव है, और उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को बचाए रखा, यानी कि अभी भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ तो थी लेकिन वो तो डूब गई, अब यही इकलौती फैमिली बची हुई है जो कि काफ़ी सारे रूल्स की वजह से ज़िंदा है, यानी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मज़ेदार चीज़ें नहीं करना है, यहाँ नहीं घूमना है, वहाँ नहीं घूमना है, ये मत करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो इनके वजह से ये ज़िंदा थे, सर्वाइव कर पा रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक शख्स की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है। अब इनके लिए ये अच्छा हुआ या फिर यहाँ पर बुरा होने वाला है, वो तो आप फिल्म देखिएगा तो ही पता चलेगा, और मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूँ तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर सच कहूँ तो फिल्म वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का जो एडवेंचर हमें देखने को मिलता है, जो कॉमेडी देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो फिल्म के हिंदी डायलॉग्स हैं जो एक लय बना के रखते हैं, और इसके अलावा उन डायलॉग्स की वजह से जो हमारे चेहरे पर हल्की हल्की जो मुस्कुराहट आने लगती है उसको आप फील कर सकते हो अंदर से, और साथ में टैट टैट टै, ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने में, और ख़ासकर वो स्लोथ वाला कैरेक्टर भी सही में मतलब गज़ब का है। तो उसी वजह से फिल्म को मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और मतलब ये 1.5 घंटे का टाइम कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, अगर मैं सच बताऊँ तो, सच्ची। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप एनिमेटेड फिल्में बहुत ही ज़्यादा देखते हो, या फिर आपके घर में बच्चे हैं, या फिर आपके जो परिवार के लोग हैं वो एनिमेटेड फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये एक अच्छी फैमिली एंटरटेनिंग पैकेज है, जिसको अगर आप देखने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो बेशक, और मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अगर अभी तक नहीं देखा हुआ है तो जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, और मैं क्या ही बोलूँगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। जोहार।